हूँ बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू पर है, क्वेश्चन बैंक पर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो क्वेश्चन बैंक चल रहे हम वो कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने कराया है, आप अगर नहीं देखे तो उसको हमारे जो चैनल है उसके ऊपर प्लेलिस्ट में भी हम ऐड कर देंगे, या तो फिर अभी जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, आप जाकर उसे देख लीजिए। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब मसावात को बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रांसलेशन किया मैंने, यहाँ पे गिवन वैल्यू इज सोल्यूशन और नॉट, ये वैल्यू सोल्यूशन है या नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू दिया है, देखिए सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर x और y पुट करने के बाद अगर हम यहाँ x और y की कीमत ला के रखते हैं तो ये इसके अगेंस्ट में जो वैल्यू इसके बराबर आती है क्या, तो उसे कहते हैं सोल्यूशन, हल। उर्दू में क्या कहते हैं इसको, हल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोल्यूशन। ओके, अभी सोल्यूशन निकालना है। देखिए ये x और y है बच्चों, ये क्या है x और y, ये क्या है x और y, ये क्या है x और y। आप यहाँ रखिए x की वैल्यू 2 रखो, देखो 2 2 4, y की वैल्यू 2 रखो, 2 में से 4 में से 2 गए तो 2 आता, इसका मतलब ये सोल्यूशन है, इट इज़ सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन पूछ रहा था, ओके, नॉट करके नहीं पूछा, अपने को कौन सा सोल्यूशन है, विच इज सोल्यूशन, तो हमको पहली बार में मिल गया सोल्यूशन। अगर आप ये वैल्यू दूसरे रखेंगे तो आएगा नहीं जवाब, इसका मतलब आपका पहला आंसर ही है। ओके, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, अगर मराठी में तो मराठी में देखिए उसके ऑप्शन, और इंग्लिश में तो इंग्लिश में है। ओके, तो इससे एक प्रैक्टिस भी हो रही, सोल्यूशन कब रहता, जब गिवन वैल्यू रखे हमने या ले, यहाँ पे कोऑर्डिनेट रखे एक्स और वाई लाके, तो ये आने होना जवाब, तो इसका मतलब सोल्यूशन है। हमने यहाँ 2 और 2 रखे तो 2 2 4, और इसमें से 2 गए तो 4 में से 2 गए तो 2 है, इसका मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इसका मतलब इट इज़ सोल्यूशन। और सोल्यूशन नहीं पूछता था तो इसमें से कोई वैल्यू सोल्यूशन नहीं रहती थी, हमको सोल्यूशन पूछा। ओके, तो इस तरह से एक मार्क के लिए आपको ऐसा करना है, रफ में सॉल्व कर लेना है, और उसका आंसर जो भी आता आपका आंसर लिख देने का, ऐसा ऑब्जेक्टिव का, ए आता ए, बी आता बी है, जैसे हमारा ए है तो ए लिख दिए। ओके, लिख लीजिए इसको, यह स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे दिया x माइनस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन क्या दिया x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन क्या दिया x प्लस वाई इक्वल टू 70, ये दो इक्वेशन है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ये कौन सा इसका सोल्यूशन है, मतलब x और y की वैल्यू क्या है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई, इसमें से सब वैल्यू एक्स वाई के है बच्चों, किसकी वैल्यू है एक्स वाई के। अब हमको ये पता करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू एक्स वाई की है, तो साइड सी बात है ये एक्स एक्स वाई वाई कैंसल, यहाँ क्या होगा 2x इक्वल टू 80, 2x इक्वल टू 80। अब यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 बाय 2, दैट इज x इक्वल टू 40, x कितना मिला हमारे पास 40, इसका मतलब हमारी पहली वैल्यू है 40, यहाँ पे x तो 30 है ना, यहाँ 40 y है, हमारे को x 40 मिल रहा, तो दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मार्क का क्वेश्चन है, कितने मार्क का है एक मार्क का, इसको टाइम ज़्यादा नहीं देना अपने को, 1 से 2 मिनट में इसका सोल्यूशन निकालना, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आ रहा, पहला ही आ रहा। ओके, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आ रहा, जवाब कितना आ रहा हमारा पहला 40 और 30, आप ए करके भी लिख सकते। ओके, समझ में आ गया आपको, लिख लीजिए क्या है, क्रैमर पर है dx की वैल्यू। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है dx, क्या फाइंड आउट करना है dx, तो अब हम जानते हैं कि dx का फार्मूला क्या बनता है, क्रैमर से c1 बाय c2, और हमारे पास x के लिए हम x को ड्रॉप करते हैं, इसका मतलब b1 बाय b2। ओके, अब देखिए आपका ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ओके, ये c1 है और ये c2 है, ये क्या रहता है a1 a2 b1 b2 c1 c2। ओके, लिख लीजिए इसको dx इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे c1 c2 नहीं है, यहाँ पे लेंगे 19 और इसके नीचे क्या लेंगे c2, ये होगा माइनस 11। ओके, अब हमारे पास b1 b2 कितना है 3 और माइनस 3, इसको हल कीजिए 19 × -3 माइनस 11 × 3 या 3 × 11, एक ही बात होती, 9 3 27 के कैरी के 2 3 1 3 और ये 2 52 57 -57 -+33। अब 33 और -57 और +33, अब इसका मतलब हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 57 में से 33 निकालो, ये क्या बचता 4 और ये 5 में 3 का तो 2, इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है -24। हमारा आंसर कितना आ रहा -24, ये कौन सा आंसर हमारा सी है, कौन था ये सी है, आप सी कर लिख सकते। देखिए हमारे पास
मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ग्रामर का रूल का रिवाइज करा देता हूँ, अगर ये समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ग्रामर रूल में क्या रहता है हमारे पास, एक जनरल रिवीजन कर देता हूँ मैं ग्रामर का आपको। देखिए ग्रामर रूल क्या है हमारे पास, जिसमें डी निकालते हैं हम। व्हाट इज ग्रामर रूल डी? डी इज इक्वल टू ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू, ये हमारा डी रहता, इट इज डी। ओके, हमारा डी है ये, डी मतलब क्या है ये, डिटर्मिनेंट है। ओके, फिर डी एक्स जो रहता, डी एक्स जो रहता यहाँ पर सी वन के नीचे आता सी टू और बी वन के नीचे आता बी टू। ओके, और जो डी वाई रहता, ए वन के नीचे ए टू और सी वन के नीचे सी टू, ये क्या है हमारा डी वाई। अब देखिए कैसे निकालती है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, दैट इज ए वन बी वन सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। ओके, जब हम x के लिए आते तो इधर से आना है फर्स्ट टाइम, ये साइड से। ओके, मतलब c1 के नीचे c2, और x वाले के लिए x को ड्रॉप कर देने का, x वाले के लिए x को ड्रॉप मतलब b1 के नीचे b2। ओके, ये होगा हमारा dx का, और dy का क्या होगा, इधर से आएंगे y वालों को छोड़ देंगे, एक बार उधर से गए थे अब इधर से, a1 के नीचे a2, और ये तो छूट जा रहे y के लिए, y के लिए क्या रहता है y वाले ड्रॉप, c1 के नीचे c2, ये होगा हमारा dy। और डी एक्स हो गया, डी क्या रहता, डी के लिए कुछ नहीं, ए वन के नीचे ए टू बी वन के नीचे बी टू। अब डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, और दोनों का माइनस, जैसा ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, बी वन ए टू इसकी वैल्यू रहती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, इस तरह से हम क्रैमर हल कर सकते हैं, तीन मार्क के लिए क्रैमर आता है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया तो आप इसको लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे एमसीक्यू खत्म हुए, अगले टॉपिक में हम दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए।